शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, लेक्चर नंबर 16 में खुश आमदेद। आज जो मौजू गुफ्तगू है वो है हाउस होल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। घर के लेवल पे अगर पानी को ट्रीट करना हो तो किस तरह किया जाएगा। इसको ख़त्म करने के बाद तीन सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पे मुख्तसर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू होगी। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 16 की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। डियर स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड लेवल पे जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है वो सेप्टिक टैंक के ज़रिए की जाती है और डिस्पोजल सोकेज पिट के ज़रिए की जाती है। सेप्टिक टैंक क्या है, इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसको इंडिविजुअल हाउसेस के लिए ये एक तरीका है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। अगर आपने अपने घर के लेवल पे ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करनी हो तो फिर सेप्टिक टैंक आप बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक के अंदर क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। यहाँ अगर मैं ज़िक्र करूँ तो बिल्कुल मुनासिब होगा कि लाहौर के अंदर इस वक्त दो हाउसिंग अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जिसको DHA भी कहा जाता है। इन दोनों के बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई शख्स घर बनाएगा वो सेप्टिक टैंक बनाएगा, लेकिन DHA में तो इसको रिगोरसली इन्फोर्स किया जाता है। DHA में कोई भी घर बगैर सेप्टिक टैंक के नहीं बन सकता, लेकिन मसला LDA में ये है कि वहाँ बायलॉज के अंदर तो मौजूद है लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट रिगोरस नहीं है। मेरे इलम में नहीं कि LDA के तहत बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस तरह के इकबाल टाउन है, जौहर टाउन है, मॉडल टाउन है और दीगर सोसाइटीज, उसमें कहीं पे ये कंपल्शन हो LDA की तरफ से, या नक्शा उसका जब पास कर रहे हों, फाइनल अप्रूवल घर की दे रहे हों बनने के बाद, तो वो ये इंश्योर करते हों कि यहाँ सेप्टिक टैंक बनाया गया है कि नहीं। सेप्टिक टैंक के फवाद क्या हैं? अगर घर के लेवल पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए तो 50% ऑफ द पोल्यूटेंट्स रिमूव हो जाते हैं, और वो पानी जब आपका म्यूनसिपल लेवल पे जाता है, अगर म्यूनसिपल लेवल पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है और तमाम घरों में सेप्टिक टैंक लगा हुआ है, तो पानी की BOD भी कम होगी, उसके सस्पेंडेड सॉलिड भी कम होंगे, तो प्लांट का जो साइज़ है म्यूनसिपल लेवल पे ना सिर्फ वो बहुत छोटा हो जाएगा, उसका फुटप्रिंट बहुत कम होगा, उसकी कॉस्ट कैपिटल कम होगी, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगी। तो ये फ़ायदा है सेडिमेंटेशन टैंक बनाने का घर के लेवल पे। मेरा ख़्याल है कि LDA को भी इस सिलसिले में इकदाम लेने चाहिए कि वो अपने इस बायलॉ की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें। चलते हैं डिटेल की तरफ सेप्टिक टैंक की। मोस्टली टू कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक्स आर यूज्ड। फर्स्ट कंपार्टमेंट प्रोवाइड्स फॉर सेडिमेंटेशन, डाइजेशन एंड स्लज स्टोरेज, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट का काम है। दूसरा कंपार्टमेंट क्या करता है, द सेकेंड कंपार्टमेंट प्रोवाइड्स एडिशनल सेडिमेंटेशन, स्लज स्टोरेज कैपेसिटी एंड सेव डिस्चार्ज ऑफ स्लज एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स दैट कैन एस्केप फ्रॉम द फर्स्ट कंपार्टमेंट। सेकेंड कंपार्टमेंट का ये काम है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में से अगर कोई सस्पेंडेड सॉलिड एस्केप हो गए हैं, कोई स्लज एस्केप हो गई है, तो वो उसको रोके और उसके लिए स्टोरेज की जगह फराहम करे। नेक्स्ट इज डिज़ाइन पैरामीटर्स ऑफ सेप्टिक टैंक। सो फर्स्ट डिज़ाइन पैरामीटर इज डिटेंशन टाइम, ये रेंज कर सकता है 24 घंटे से लेके 48 आवर्स तक। इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान आप कोई भी टाइम डिटेंशन टाइम अडॉप्ट कर सकते हैं। डिटेंशन टाइम जितना ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे साइज बड़ा होगा, कॉस्ट बड़ी होगी। आम तौर पे ये देखा गया है कि 24 आवर्स का जो डिटेंशन टाइम है उस पे जो रिमूवल हो जाती है वो मैक्सिमम होती है,
उसके बाद डिटेंशन टाइम फर्दर बढ़ाने से कोई एडिशनल सिग्निफिकेंट पोल्यूटेंट की रिमूवल सस्पेंडेड सॉलिड्स की या बीओडी की नहीं होती। मोस्टली जो टाइम अडॉप्ट किया जाता है वो 24 आवर्स है। लेंथ रेशो विड्थ ये सेकेंड पैरामीटर है, ये 3:1 होनी चाहिए, इसको मैं आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। डेप्थ इज़ द थर्ड पैरामीटर, ये 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक। फोर्थ इज़ स्लज प्रोडक्शन, 0.04 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। अब इसमें जो स्लज पैदा होगी वो कितनी होगी वो यहाँ से निकाला जा सकता है, और ये रेफरेंस है डंकन मारा का। डंकन मारा का जो मैनुअल आपके साथ शेयर किया गया है उसके अंदर ये मौजूद है कि एक आदमी एक साल में कितनी स्लज जो है वो जनरेट करता है। ये डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल होगा, जब सॉल्व प्रॉब्लम में हम जाएंगे तो वहाँ इसकी एप्लीकेशन आएगी, मज़ीद वजाहत वहाँ हो जाएगी। फोर्थ पैरामीटर इज़ डी स्लजिंग पीरियड, 1 साल से लेके 3 साल तक हो सकता है, आप पे डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो डी स्लजिंग पीरियड कितना अडॉप्ट करता है, इसकी मज़ीद वजाहत भी आगे चल के आएगी। एफ्लुएंट डिस्पोजल, एफ्लुएंट डिस्पोजल दो तरीके से हो सकती है, जो वेस्ट वाटर सेप्टिक टैंक में ट्रीट हो गया है आप या तो उसको सोकेज पिट में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और अगर म्यूनसिपल सीवर स्ट्रीट में से गुजर रहा है तो उसके अंदर भी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह DHA में होता है। हर घर में सेप्टिक टैंक बना होता है, सेप्टिक टैंक में प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वो जो वेस्ट वाटर है उसको म्यूनसिपल सीवर स्ट्रीट सीवर जो DHA में बिछे हुए हैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में उसमें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, आपके सामने एक डायग्राम सेप्टिक टैंक की, इसमें आप देखें इस तरफ से वेस्ट वाटर आ रहा है, इस इनलेट की एक ख़ास शेप है, ये थोड़ा सा ऊपर भी ये पाइप है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है लिखा हुआ है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट। यहाँ पे आप देखें थोड़ी स्लज आपको शेडेड नज़र आ रही है, ये एक सेपरेटिंग वॉल है फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट के दौरान। ये तकरीबन इसकी जो रूफ है उससे थोड़ा नीचे ख़त्म होती है, इसके अंदर होल्स होते हैं, होल्स दो तरीके से किए जा सकते हैं, पाइप के पीसेस रख के भी किए जा सकते हैं, और आमतौर पे यही तरीका अडॉप्ट किया जाता है। ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ द कंक्रीट पाइप के पीसेस रख दिए जाते हैं, यहाँ से पानी फर्स्ट कंपार्टमेंट से गुजर के सेकंड कंपार्टमेंट पे आ जाता है और फिर इस आउटलेट से सेप्टिक टैंक से बाहर चला जाता है। ये आउटलेट भी एक ख़ास शेप की है, ये पानी यहाँ से एंटर होता है और फिर जाता है। ऊपर जो स्कम है वो इस ख़ास आउटलेट की शेप की वजह से रिटेन रहती है अंदर। यहाँ भी आप देखें शेडेड स्लज है, तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सेप्टिक टैंक होता है, और सेकंड कंपार्टमेंट इज़ 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द सेप्टिक टैंक होता है। अगर आप टॉप पे देखें तो एक ये मैन होल है, ये मैन होल इसलिए रखा जाता है कि इसको रिमूव करके जब डी स्लज करना हो 1 साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद, तो फिर सैनिटरी वर्कर इसके अंदर उतर के इसको खाली करने के बाद स्लज की सफाई कर सके और उसको यहाँ से निकाल सके। यहाँ पे एक वेंट लगा होता है, वेंट का मकसद क्या है, जो भी मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो बाज़ औक़ात एनएरोबिक कंडीशंस की वजह से या एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज जो नीचे बॉटम पे होती है उसकी वजह से पैदा होती है, ये उसको बाहर निकाल देता है। ये वेंट की हाइट ह्यूमन हाइट से ज़्यादा होती है, तकरीबन 7-8 फुट ये बुलंद होता है, ताकि ओडरस गैसेस, ख़ास तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड
जिसकी के ऑर्डर रॉटन एग की तरह होता है, बड़ी पंजेंट किस्म की, इरिटेटिंग किस्म की स्मेल होती है, वो ह्यूमन हाइट से ऊपर निकल जाए। अगर इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा तो आसपास के लोग डिस्टर्ब होंगे, ऑर्डर प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होगी। तो जब ह्यूमन हाइट से ऊपर रिलीज करेंगे तो ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ऊपर फिर यहाँ से चली जाएगी। तो ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनलेट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट है, मैन होल है, ये सेपरेटिंग वॉल है, बैफल जो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट को सेकंड कंपार्टमेंट से अलहदा करती है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है, ये आउटलेट है और ये वेंट है जहाँ से ओडरस गैसेस निकलती है। सेप्टिक टैंक पे डिस्कशन जहाँ पे मुकम्मल हो गई, अब हम चलते हैं सोकेज पिट की तरफ। सोकेज पिट क्या है? सोकेज पिट इज यूज्ड फॉर सीवेज डिस्पोजल इफ नो सीवर कलेक्शन सिस्टम एग्जिस्ट। इट इज ए सर्कुलर पिट इन विच वेस्ट वाटर इज एब्जॉर्ब इन द सराउंडिंग सॉइल। आमतौर पे इसको गरकी भी कहा जाता है, जिसमें पानी गर्क हो जाता है, ये आम लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इंग्लिश में इसको सोकेज पिट कहा जाता है। पानी इसके अंदर जब वेस्ट वाटर ट्रीटेड जाता है तो वो सोक हो जाता है आसपास की सॉइल के अंदर। इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स की तरफ हम थोड़ी तवज्जो करते हैं। पहला डिज़ाइन पैरामीटर इसका है कि बॉटम सोकेज पिट की वाटर टेबल से 25 फुट ऊपर होनी चाहिए। वजह, ये 25 फुट के अंदर जो पानी है वो फिल्टर आउट हो जाता है और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट नहीं करता, ये इसकी वजह है कि इसको बॉटम को सोकेज पिट के कम से कम वाटर टेबल से 25 फुट ऊपर होना चाहिए। अगर वाटर टेबल बहुत हाई है, 5 या 10 फुट पे है, तो वहाँ सोकेज पिट नहीं बन सकता। अगर बनाया जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जब सीप होके उसमें मिलेगा तो ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाएगा, ख़ास तौर पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत हाई हो जाएगी। अगर लोग वो पानी पियेंगे तो बीमार होंगे या बीमार होने का खदशा होगा। पैरामीटर नंबर 2, अवे फ्रॉम ट्यूबवेल और परकुलेशन वेल एटलीस्ट 50 फिट। अगर घर के अंदर कोई हैंडपम्प लगा हुआ है जिससे पानी ड्रॉ हो रहा है, आप पानी ले रहे हैं पीने के लिए या दूसरे इस्तेमाल के लिए, उससे फासला उस सोकेज पिट का कम से कम 50 फिट होना चाहिए। पैरामीटर नंबर 3, डायमीटर आमतौर पे 2 से 3 मीटर तक सोकेज पिट का होता है, यानी 6 फुट से लेके 9 फुट तक, ये इंटरनल डायमीटर है। चौथे नंबर पे डेप्थ, डेप्थ रेंज करती है 3 से 6 मीटर तक, 10 से 20 फिट तक। नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन टू पिट्स। अब अगर दो पिट बनाने पड़े एक ही घर में तो उनका आपस का फासला कितना रखना चाहिए? 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लार्जर पिट। जो लार्जर पिट है अगर उसका डायमीटर 3 फुट है या 6 फुट है तो उसका 3 टाइम्स। तो अगर 6 फुट है तो 3 टाइम्स 18। उस पिट का, एक पिट का दूसरे पिट से फासला 18 फिट होना चाहिए, ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है, इसको फॉलो किया जाता है सोकेज पिट बनाते हुए। आगे मूव करते हैं, आपके सामने एक टेबल है, इसमें डिफरेंट मटेरियल्स और उनका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, क्यूबिक मीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दैट स्ट्रेटा और मटेरियल इन वन डे, ये दिया गया है, ये अभी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। यूनिफॉर्म कोर सैंड का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 405। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कोर्स सैंड से 405 क्यूबिक मीटर वाटर 1 मीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ कोर्स सैंड से एक दिन के अंदर गुजर जाता है। इसी तरह दूसरे जितने मटेरियल्स हैं इनका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इस टेबल में दिया गया है। हम मिसाल के तौर पे एक दो मटेरियल्स को लेते हैं, यूनिफॉर्म मीडियम सैंड, ये कोर सैंड थी, ये मीडियम सैंड है, इसका 101, क्लीन वेल ग्रेडेड सैंड एंड ग्रेवल 101,
अगर मैं सिल्ट पे आता हूँ तो सिल्टी सैंड है तो आप देखें बहुत कम हो जाता है, ये पानी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरने की इजाज़त देती है। यूनिफॉर्म सिल्ट ये मज़ीद कम हो रहा है इसका, और कोलाइडल क्ले का बहुत ही कम, ये बहुत कम पानी को गुजरने देगी। सेप्टिक टैंक और सोकेज पिट की मज़ीद फर्दर वजाहत के लिए एक सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। डिज़ाइन ए सेप्टिक टैंक एंड सोकेज पिट फॉर सिंगल हाउस, एक घर के लिए आपने बनाना है। घर में कितने अफराद हैं? 10। पर कैपिटा यूज़ पानी का क्या है उनका? 100 LPCD। ये सारी चीज़ें हम एज्यूम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप जब किसी घर के लिए डिज़ाइन करेंगे तो आपको डिज़ाइन क्राइटेरिया कंसल्ट करेंगे, या कोई वैल्यू और किसी रेफरेंस से लेके पर कैपिटा कंजम्पशन की वहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। टेक वेस्ट वाटर फ्लो एज 80% ऑफ वाटर कंजम्पशन। द सेप्टिक टैंक इज़ टू बी डीसलाइज्ड आफ्टर 3 ईयर्स। अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि 3 साल बाद उसको आप डीस्लज करेंगे। ये 1 साल बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 3 साल बाद भी हो सकता है। हर साल करना शायद ज़रा मुश्किल अमर होगा, 2 साल बाद या 3 साल बाद शायद इसमें आसानी हो, लेकिन जब आप 3 साल बाद करेंगे तो सेप्टिक टैंक का साइज़ बड़ा बनाना पड़ेगा, उस पे जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ये ट्रेड ऑफ है, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप 3 साल की डीस्लेजिंग पीरियड रख लें, सेप्टिक टैंक ज़रा बड़ा बन जाएगा, और स्पेस भी अगर अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है और आप सेव करना चाहते हैं कॉस्ट को, तो 1 ईयर के बाद उसकी डीस्लेजिंग रख लें, साइज भी छोटा हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, एरिया रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेप्टिक टैंक, वेस्ट वाटर फ्लो, 10 अफराद, हर फर्द 100 लीटर एक दिन में यूज कर रहा है, 80% वेस्ट वाटर फ्लो है, तो 800 लीटर्स पर डे या 0.8 क्यूबिक मीटर पर डे। एज्यूम ए डिटेंशन टाइम ऑफ 24 आवर्स इन सेप्टिक टैंक, ये डिज़ाइन क्राइटेरिया से अडॉप्ट किया हमने, तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। डिटेंशन टाइम इट इज़ इक्वल टू वी ओवर क्यू। डिटेंशन टाइम हमें मालूम है और क्यू मालूम है तो हम वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम 0.8 क्यूबिक मीटर हमने डिटरमिन किया। स्लज एक्यूमुलेशन, एक आदमी 1 साल के अंदर 0.04 क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस करता है, तो टोटल स्लज 3 साल में कितनी प्रोड्यूस होगी? 10 आदमी हैं, हर आदमी 0.04 क्यूबिक मीटर करता है, और 3 साल के लिए आपने कैलकुलेट करना है, तो 1.2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ स्लज आ जाएगा। अब इस वॉल्यूम ऑफ स्लज को आप वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक में ऐड करेंगे, वो टोटल वॉल्यूम सेप्टिक टैंक का निकल आएगा विद ए डी स्लजिंग टाइम ऑफ 3 ईयर्स। देयरफॉर टोटल स्लज वॉल्यूम दैट यू हैव डिटरमिंड एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक इट इज़ इक्वल टू 0.8, ये जो आपने वॉल्यूम डिटरमिन किया था बेस्ड ऑन डिटेंशन टाइम, प्लस स्लज का वॉल्यूम 1.2 क्यूबिक मीटर। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक शुड बी 2 क्यूबिक मीटर। लेट्स मूव फर्दर, लेट डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक 1 मीटर, ये आपने 1 मीटर अडॉप्ट कर ली विद ए फ्री बोर्ड ऑफ 0.5 मीटर, ये ज़रूर आप रखें फ्री बोर्ड। टोटल इसकी डेप्थ 1.5 मीटर हो जाएगी इंक्लूडिंग फ्री बोर्ड। देयरफॉर एरिया ऑफ सेप्टिक टैंक, पानी की डेप्थ क्योंकि 1 मीटर ही है तो जब आप वॉल्यूम को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1 वो 2 आ जाएगा मीटर स्क्वेयर। ये एरिया सेप्टिक टैंक का हमने डिटरमिन किया। एरिया इट इज़ इक्वल टू 3W विच इज़ द लेंथ विच इज़ 3 टाइम्स द विड्थ इंटू W, इट इज़ इक्वल टू 3W स्क्वेयर, बट 3W स्क्वेयर इट इज़ इक्वल टू
2 मीटर स्क्वेयर, ये जो 2 मीटर स्क्वेयर हमने यहाँ निकाला है, सो वी कैन फाइंड आउट डब्ल्यू अंडर रूट लेके 0.8 मीटर, एंड लेंथ इज 3 टाइम्स W, लेंथ इज डिटरमिन्ड टू बी 2.4 मीटर. फर्स्ट कंपार्टमेंट 2/3 ऑफ द लेंथ, ये 1.6 मीटर का हो जाएगा, और सेकंड कंपार्टमेंट 1/3 ऑफ द लेंथ विच इज 2.4, ये 0.8 मीटर का हो जाएगा. ये डिज़ाइन हो गया सेप्टिक टैंक का, एंड दिस इज द डिज़ाइन इन विच यू फाइंड आउट द डायमेंशंस. बाकी जो डिटेलिंग है कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पानी किस तरह जाना है, वो डिटेल्स में आ जाता है, उसको ड्राइंग्स के अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं. डिज़ाइन इज बेसिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया रिक्वायरमेंट ऑफ द टैंक. ये हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है. अब हम सोकेज पिट के डिज़ाइन की तरफ चलते हैं. सॉइल टाइप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है यूनिफॉर्म सिल्ट. मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वहाँ पे जो सॉइल टाइप है वो यूनिफॉर्म सिल्ट है, और यूनिफॉर्म सिल्ट का कोफिशेंट ऑफ परमेबिलिटी वो इस टेबल से आप डिटरमिन करेंगे, 0.05 क्यूबिक मीटर पर मीटर स्क्वेयर ऑफ द यूनिफॉर्म सिल्ट इन वन डे. इसको मद्देनज़र रखते हुए अब हम सोकेज पिट के साइज को डिटरमिन कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन की बेस पे. चलते हैं दोबारा सोकेज पिट के डिज़ाइन की तरफ. जिस तरह के हम पहले डिस्कस कर रहे थे, सॉइल टाइप इज़ यूनिफॉर्म सिल्ट, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी टेबल से आपने देखा, ये यहाँ पे लिख लिया गया है. आगे चलते हैं, एरिया रिक्वायरमेंट ऑफ सोकेज पिट, इट इज़ इक्वल टू वेस्ट वाटर फ्लो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. वेस्ट वाटर फ्लो इज़ इन क्यूबिक मीटर पर डे, एंड कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी इज इन क्यूबिक मीटर पर मीटर स्क्वेयर पर डे. सो क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ वेस्ट वाटर विल बी कैंसल्ड आउट विद द क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ परमेबिलिटी, एंड वी विल बी लेफ्ट विद द एरिया. सो वेस्ट वाटर फ्लो इज 0.8 क्यूबिक मीटर पर डे, एंड कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी इज 0.05. सो द एरिया ऑफ द सोकेज पिट which has a soil type of uniform silt comes out to be 16 meter square. याद रखें, जिसका coefficient of permeability ज़्यादा होगा वहाँ area की requirement कम होगी, क्योंकि जल्दी से flow उस soil type में से गुजर जाएगा, और जिसका coefficient of permeability कम होगा वहाँ पर हमें larger area required होगा उसी amount of wastewater को soak करवाने के लिए. Therefore, assume diameter of septic tank 2 meter. यहाँ आप कोई भी diameter adopt कर सकते हैं, और उससे मुतलिक जो depth आएगी वो determine आप करेंगे. Depth of soakage pit required, area it is equal to depth into length circumference. अब इस पे थोड़ा सा गौर आप करें कि जो लेंथ है वो दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस, क्योंकि ये सर्कुलर है सोकेज पिट, तो वो सर्कमफ्रेंस उसकी एक डायमेंशन बन जाएगा जिसको हम लेंथ कह सकते हैं, और दूसरी डायमेंशन एरिया की वो डेप्थ बन जाएगी. एरिया हम डिटरमिन कर चुके हैं यहाँ पे 16 मीटर स्क्वेयर, डेप्थ हमें मालूम नहीं है, और लेंथ जो है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी. डायमीटर हम फिक्स कर चुके हैं, एक अडॉप्ट हमने कर लिया डिज़ाइन क्राइटेरिया में से 2 मीटर. तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में अब सिर्फ डेप्थ अननोन है, डेप्थ को डिटरमिन किया जा सकता है, ये 2.5 मीटर आ जाएगी. तो इसमें अगेन फ्री बोर्ड 0.5 मीटर का सोकेज पिट में हम ऐड करेंगे. यहाँ पे सोकेज पिट डिज़ाइन हो गया, उसका डायमीटर और उसकी डेप्थ और उसका टोटल एरिया जो होगा वो सारा का सारा डिटरमिन किया गया है, जिसमें से
पानी जो 0.8 क्यूबिक मीटर पर डे आएगा वो एक दिन के अंदर पास आउट होके आसपास की सॉइल में वो जजब हो जाएगा। एक बड़ी अहम चीज़ जो सोकेज पिट के बारे में जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, ड्राई ब्रिक्स आर यूज्ड इन सोकेज पिट टू अलाउ वेस्ट वाटर परकुलेशन इन द सराउंडिंग सॉइल। सोकेज पिट ब्रिक्स से बनता है और इसमें तीन लेयर्स खुश्क ब्रिक्स की लगाई जाती हैं जिनकी दर्जों में से पानी बाहर गुजर जाता है, और एक उसमें लेयर जो है वो सीमेंट सैंड मॉर्टर 1:3 की लगाई जाती है ताकि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी उसकी कायम रहे। सो ड्राई ब्रिक्स आर यूज्ड इन सोकेज पिट टू अलाउ वेस्ट वाटर परकुलेशन इन द सराउंडिंग सॉइल। यूजली वन कोर्स आफ्टर एवरी थ्री कोर्सेज, जो ब्रिक का एक कोर्स जिसको उर्दू में रद्दा कहते हैं, एक रद्दा इज लेड इन सीमेंट सैंड मॉर्टर 1:3 फॉर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द सोकेज पिट। आपके सामने अब मैं सोकेज पिट की एक डायग्राम ला रहा हूँ और उस डायग्राम से मैं आपको कोशिश करूँगा इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को एक्सप्लेन करने की। आपके सामने एक डायग्राम, आप इसमें काफ़ी चीज़ें कंपोनेंट भी देख रहे हैं, लेबलिंग भी देख रहे हैं, एक एक करके मैं इसकी वजाहत करता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है सोकेज पिट। सोकेज पिट की बॉटम जो है वो अनलाइंड होती है ताकि बॉटम में से भी पानी सीप करे, और यहाँ आप देखें ब्रिक्स विद ओपन जॉइंट्स विद एवरी वन लेयर विद सीमेंट सैंड मॉर्टर आफ्टर एवरी थ्री लेयर्स। तो खुश्क ईंटों के दो या तीन लेयर्स लगाई जाती हैं, उसके बाद एक लेयर 1:3 सीमेंट सैंड मॉर्टर से लगाई जाती है ताकि स्ट्रक्चरली वो सेफ भी रहे। उसके बाद आप देखें ये जो स्टेप्स बने हुए हैं ये उसी तरह हैं जिस तरह मैन होल में स्टेप होते हैं, स्टील स्टेप्स फॉर पर्सन एंटरिंग इन पिट। ये एक आदमी यहाँ से दाखिल हो सकता है। इन स्टील रंग्स, इनको रंग कहा जाता है, ये गोल होते हैं, इसको पकड़ के सीढ़ियों की तरह एक सैनिटरी वर्कर नीचे उतर सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइट जॉइंट्स हैं, यहाँ तक जितनी भी ब्रिक वर्क है वो तमाम की तमाम लेयर सीमेंट सैंड मॉर्टर से लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ से नीचे ये सारी की सारी जो ब्रिक्स हैं तीन लेयर्स खुश्क बगैर सीमेंट सैंड मॉर्टर के और उसके बाद एक लेयर सीमेंट सैंड मॉर्टर के साथ ही। ऐसा क्यों है? अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है सेप्टिक टैंक से ट्रीट होने के बाद और इस डेप्थ पे आके वो इसमें एंटर हो रहा है। तो इस डेप्थ से ऊपर ऊपर जो ये ब्रिक लेयर है ये सारी की सारी सीमेंट सैंड मॉर्टर में लगेगी, क्योंकि यहाँ से सीपेज नहीं होगी, ये पानी नीचे गिरेगा और इस पोर्शन में ये सीपेज होगी। तो इस पोर्शन की जो ईंटें हैं उनको उस तरह लगाया गया जिस तरह के यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा गया। आमतौर पे ये जो डेप्थ होती है 3 to 6 मीटर है, जिस तरह के हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया में देखा, डायमीटर इज 2 to 3 मीटर। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं सॉइल विद नोन कोफिशेंट ऑफ परमेबिलिटी, और ये सॉइल कवर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेरिएबल है, ये सेप्टिक टैंक यहाँ ऊपर भी हो सकता है थोड़ा नीचे भी हो सकता है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको वेरिएबल सॉइल कवर कहा गया है। उसके बाद अगर आप इसको ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो ये एक मैन होल है फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग अगर कभी ज़रूरत पड़े इसकी। ये एक वेंट पाइप है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेप्टिक टैंक में लगा था, और ऊपर से ये राउंडेड है। वजह क्या है कि बारिश या और चीज़ ये इसमें एंटर ना हो, ये राउंड होने की वजह से ऊपर से जब बारिश गिरेगी तो वो इसमें एंटर नहीं हो पाएगी पाइप के अंदर। ये वेंट अगेन जो ओडरस गैसेज हैं उनको रिलीज करने के लिए है, और ये ह्यूमन हाइट से ऊपर इसकी ओपनिंग होती है ताकि ओडर प्रॉब्लम आसपास की जगह पे या घर के अंदर जहाँ के अगर ये लगा हुआ है तो वहाँ पे ना हो। ये कास्ट आयरन वेंट पाइप है फॉर गैसेस, कास्ट आयरन का बना हुआ। नीचे वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये वाटर टेबल है,
तो वाटर टेबल से 8 मीटर्स या 24 फुट या 25 फुट जो डिज़ाइन क्राइटेरिया में दिया था, ये इसका डिस्टेंस होना चाहिए। जब पानी यहाँ से सीप करेगा और 25 फुट की जगह दी जाएगी, तो इस 25 फुट में उसके पोल्यूटेंट सारे के सारे इस ज़मीन में फिल्टर आउट हो जाएंगे, और जब वो पानी यहाँ पहुँचेगा तो फिर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट नहीं करेगा। ये वो डिज़ाइन क्राइटेरिया है जिसको हम आमतौर पे फॉलो करते हैं सोकेज पिट के लिए। यहाँ पे हमने सोकेज पिट को मुकम्मल किया। अब हम चलते हैं वो तीन टेक्नोलॉजीज जो मैं बहुत मुख्तसर डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो डिटेल में डिस्कशन की वो एक्टिवेटेड स्लज पे की, प्रॉब्लम सॉल्व किए, ट्रिकलिंग फिल्टर पे की, प्रॉब्लम सॉल्व किए, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पे की, उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, एरिएटेड लेगूंस पे की, उसका प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया, डिज़ाइन क्राइटेरिया था उसके ज़रिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एरिएटेड लेगून को डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी एरिएटेड लेगून के अंदर जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन और स्क्रीनिंग और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और स्लज की डाइजेशन, वो वही है जो बाकी एक्टिवेटेड स्लज में होती है या ट्रिकलिंग फिल्टर में होती है, जिसका कि डिज़ाइन हमने मुकम्मल पढ़ा भी और उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व की। ये तीन टेक्नोलॉजीज बच गई हैं, कोर्स ख़त्म हो गया है। इसको मैं बिल्कुल मुख्तसर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कि आप काफ़ी हद तक शनासाई हासिल कर चुके हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, उसके फलसफे से, एरोबिक से, एनएरोबिक से, और अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप इन टेक्नोलॉजीज़ को खुद समझ सकते हैं और इनको अंडरस्टैंड करके इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर सा इनको टच करूँगा। नंबर वन इज़ रोटेटिंग बायोलॉजिकल डिस्क कॉन्टैक्टर्स। इनको आमतौर पे एब्रीविएट जो किया जाता है वो RBC के ज़रिए किया जाता है। RBC इज़ एन अटैच ग्रोथ प्रोसेस। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो अटैच ग्रोथ, इसमें बैक्टीरिया डिस्क होती हैं जो रोटेट करती हैं, बैक्टीरिया उनके साथ अटैच हो जाता है और उन डिस्क के ऊपर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रिकलिंग फिल्टर में मीडिया के साथ बैक्टीरिया अटैच हो जाता है और ट्रीटमेंट करता है, बिल्कुल उसी तरह ये काम करता है RBC। सेकेंड टेक्नोलॉजी इज़ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। इनका जो एब्रीवेशन है आमतौर पे MBR, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। पानी की कमी जिस तरह बढ़ती जा रही है, उस तरह पानी की कदर व कीमत जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहा जा रहा है, इसकी कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। इस तनाजुर में MBR, इसमें बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है, नई से नई मेम्ब्रेन्स आ रही हैं, इसको इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ट्रीटमेंट के बाद पानी रीयूज हो सकता है। ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स हैं जो आजकल बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, लेकिन इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च हो रही है कि किस तरह इसकी कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि हमारा सर्वाइवल वाटर के ऊपर है। पानी की कमी वो बड़ी ख़तरनाक है, तो इसके लिए तमाम इकदाम करने चाहिए। रीयूज़ की तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए और साथ ही साथ पानी को कंज़र्व भी करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में भी और बाकी वाटर यूजेस में भी। कंजर्वेशन के बगैर हम आगे नहीं चल सकते, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है बनी नौ इंसान का। तीसरी टेक्नोलॉजी सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स, इसकी एब्रीविएशन है SBR। ये जिस तरह के लफ्ज़ शो कर रहा है बैच रिएक्टर, ये कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस नहीं है SBR के अंदर, ये बैच मोड में वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है और ये एक्टिवेटेड स्लज की एक फॉर्म है। एक्टिवेटेड स्लज में कंटिन्यूस बेसिस पे वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसमें बैच बेसिस पे ट्रीट किया जाता है। और आमतौर पे ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं,
ये इस्तेमाल होते हैं जहाँ हाईली वेरिएबल फ्लो हो, मिसाल के तौर पे होटल्स हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं। अब देखें, टूरिस्ट रिजॉर्ट है, ऑफ सीजन के अंदर तो गालबन 1 या 2 या 3 माह पे गेस्ट ठहरे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ठहरे होंगे, तो उनका पानी तो बड़ा कम होगा। तो अगर आप 500 रूम्स हैं उस टूरिस्ट रिजॉर्ट में, उनकी बेसिस पे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, अगर 6 महीने ऑफ सीजन है तो उसमें वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे चलेगा, क्योंकि मेहमान नहीं ठहर रहे, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स को लगाया जाता है जहाँ हाईली वेरिएबल फ्लो हो, होटल्स के अंदर, टूरिस्ट रिजॉर्ट के अंदर, वहाँ पे SPR इज़ द बेस्ट मेथड टू ट्रीट द वेस्ट वाटर। और ये इसका फलसफा वही है जो एक्टिवेटेड स्लज का है। आप ये समझ लें कि ये एक्टिवेटेड स्लज को बैच मोड में जब चलाया जाता है तो वो सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर बन जाता है। आपकी असाइनमेंट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी विद फॉलोइंग कॉन्टेंट्स। आपने बिल्कुल मुख्तसर मुख्तसर इनको नोट लिखना है तीनों पे, उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोसेस की बताई होगी कि सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर का प्रोसेस क्या है, RBC का प्रोसेस क्या है, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर MBR का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बता दें कि होता क्या है इसमें, मुख्तसर ये लिख दें, और दूसरे नंबर पे उसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो आप फाइंड आउट करके उस असाइनमेंट में लिख दें। अगर ये दो चीज़ें आपको पता होंगी, डिज़ाइन क्राइटेरिया पता होगा और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पता होगी, तो आप इजीली इनको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आपको सॉल्व डिज़ाइन एग्जांपल भी नेट से, यूट्यूब से मिल जाएंगी। अजीज़ तलबा व तालबात, ये थी वो तीन सेकेंडरी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ जिनका मैंने नहायत इख्तसार से जिक्र किया। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ, और साथ ही आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज आपका कोर्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिज़ाइन वो इख्तिताम पज़ीर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि इसमें यकीनन कई खामियां भी होंगी, मेरी कुछ कमज़ोरियाँ भी होंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी मैं सीख रहा हूँ और अभी मैं पूरी तरह चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का तालिबे इल्म हूँ, तो अगर इसमें कोई कमी कोताही मेरे से रह गई हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उसकी निशानदेही करेंगे ताकि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिले। सीखने का अमल एक मुसलसल अमल है। मुझे इकबाल का एक शेर इस मौके पे याद आ रहा है, वो फरमाते हैं कि तू रह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल। रह नवर्द शौक का मतलब ये है कि पैशन, सीखने का शौक, इसका जो सफ़र है तू उसका मुसाफिर है, और अपनी कोई मंजिल मुकर्रर ना कर, क्योंकि जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर आप बैठ जाते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। आपका जो सफ़र है इम्प्रूवमेंट का, अगर किसी जगह आप अपनी मंजिल बना लें तो वो ख़त्म हो जाता है। जब आप ये समझ लें कि हाँ मैंने सब कुछ सीख लिया और मुझे बहुत कुछ आ गया है, तो फिर आपकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इकबाल ये कहते हैं कि अपनी कोई मंजिल मुकर्रर ना करें, बल्कि सफ़र को ही अपनी मंजिल बना लें। मैं इसकी वजाहत इस तरह करूँगा कि सीखने का अमल मुसलसल जारी रखना ही अपनी मंजिल बना लें, कि ये मेरी मंजिल है, कि मैंने सीखते रहना है आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक। तो यही चीज़ इंसान को फिर एक्सीलेंस की तरफ लेके जा सकती है।
और बहुत कुछ सीखने के बाद भी आपने यही समझना है कि मैंने अभी और सीखना है। ये चीज़ आपको हम्बल रखती है, तकब्बुर से बचाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की दोनों की फलाह नसीब फरमाए, हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से काम करते रहें। यकीनन आप तरक्की की जो हाईएस्ट स्टेज है उस तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी भी ईमानदारी और मेहनत का दामन अपने हाथ से न छोड़ें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।